प्रशासन ने ली सुध, बेटी के लिए आमरण अनशन पर बैठे पिता की तबीयत बिगड़ी। एसडीएम और तहसीलदार ने सांत्वना देकर करवाया स्वास्थ्य परीक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज चैनल MP7 News। आप MP7 News चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मनासा तहसील की विशेष बड़ी खबर। मनासा तहसील अंतर्गत आने वाले आत्री बुजुर्ग निवासी नेहा जोशी 14 माह से लापता हैं। बेटी की घर वापसी को लेकर पिता लंबे समय से कलेक्टर कार्यालय पर आमरण अनशन पर हैं। बेटी नेहा जोशी की घर वापसी को लेकर नीमच शहर में अब आंदोलन का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को भी कांग्रेस नेता तरुण बाहेती के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया गया है। कलेक्टर कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठे नेहा जोशी के पिता राकेश जोशी की सूद लेने प्रशासनिक अमला पहुंचा। एसडीएम ममता खेड़े और तहसीलदार अजय हिंगे ने उनसे बात की, उनके हालचाल जाने, प्रशासन के पक्ष को अवगत कराया, जोशी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया, उन्हें ग्लूकोज और ORS दिया गया। डॉक्टर के अनुसार उनके स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य है। इस मामले में एसडीएम ममता खेड़े ने बताया कि आमरण अनशन पर बैठे नेहा जोशी के पिता का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जोशी से आग्रह की वह इस आमरण अनशन को समाप्त करे। प्रशासन नेहा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 News।